किसी को भी कुछ हो सकता है, किसी को कोविड, आजकल स्पेशली ओमिक्रॉन जो है ना उसका बहुत बोलबाला चल रहा है। तो किसी खानकोट का ये वाला इलाका ना जो यहाँ पे काफी, अरे बाप रे, डोर ऊपर चाइनीज। दोस्तों ये लगे हुए हैं मटर, और मटर मुझे मिले 3500 रुपए किलो, और ये अभी गोभी, ये भैया से हमने ली है सब्जी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त और रट्टे कट्टे होंगे। मेरा नाम है विक्की भारद्वाज, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर बताइएगा। दोस्तों आज जो है ना, आज दिन सोमवार का टाइम हो चुका सुबह का 9 बजे। आज हमको लानी है मंडी से सब्जी, क्योंकि हमारे घर में जितनी भी सब्जी है ना वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। मौसम देखिए कितना बढ़िया, आज धूप निकली हुई है। वो पीछे बैठा हुआ मेरा कुत्ता रोटवीलर, ये हमने घर में रोटवीलर रखा हुआ है, 2 साल का हो चुका है। इसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, पहले काफी ये कमजोर हो गया था, अब ये अच्छी हो गई है इसकी हालत। तो दोस्तों मुझे ये बताना था कि आज है दिन सोमवार का, लेने जा रहे हैं मंडी से सब्जी, क्योंकि हमारे घर में जो सब्जी है ना वो लगभग जो है ना 1 हफ्ते की इकट्ठी आती है और वो खत्म हो चुकी है अभी। और 1 हफ्ते का फ्रूट और सब्जी हम एक साथ ले आते हैं, जो कि आज खत्म हो चुकी है। हम वो लेने जाएंगे आज मंडी से, और आपको मैं दिखाता हूँ अपने पठानकोट की मंडी, जो कि काफी बड़ी मंडी जो है आसपास के एरिया की मंडी मानी जाती है। तो आज उसके साथ साथ हम करेंगे मोटो व्लॉगिंग, तो आप भी चलिए हमारे साथ और देखिए कौन कौन सी सब्जी लाते हैं हम। तो मैं आप लोगों को सारा का सारा अपने पठानकोट की सब्जी मंडी दिखाता हूँ। मौसम बड़ा जबरदस्त है यार, आज ये मजे की बात है, मौसम इतना मजेदार हो ना, इस मौसम में जो है ना संतरे खाने का बड़ा मजा आता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी खाए थे। आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं सब्जी मंडी और आपको घुमाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे कुत्ते से मिलना चाहेंगे तो मिलिए, ये हमारा रोटवीलर ब्रीड का डॉग, देखिए क्या पूछल आ रहा है, टशो आजा, ये हमारा रोटवीलर डॉग आजा, ये देखिए इसको, ये देखिए कैसे बासियां मार रहा है। इसको बस हल्का सा ना इशारा चाहिए होता खेलने के लिए, जैसे इसको हल्का सा इशारा करो खेलने के लिए और ये बस आ जाता अपने फॉर्म में आ जाता है। अच्छा बस अब मैं जा रहा हूँ सब्जी मंडी में, चलिए आप सभी मेरे साथ। को कर देते हैं ऊपर बंद और हम चलते हैं। लो ही दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ सब्जी मंडी में। सो कल रात को ना हमारे घर में ना फ्रूट खत्म हो गया था, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पिछले काफी दिनों से, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं बीमार चल रहा हूँ, और मेरी वाइफ भी काफी दिनों से कुछ थोड़ा बहुत जो उसको ना टाइफाइड हो चुका था। हमारे घर में ना कल से ना जो फ्रूट खत्म हो चुका, तो सोचा कि जो फ्रूट है ना वो डायरेक्ट मंडी से लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जो मेरे एरिया में फ्रूट है ना जो वो काफी महंगा, अगर आप देखें तो 200 रुपए केजी अगर नॉर्मली जो अनार है, तो मंडी में वही अनार हमको 100 रुपए में मिल जाएंगे। अगर वहां से हम 5 केजी लाएंगे तो 5 केजी हमको मिल जाएगा 500 का, यहाँ मिलेगा 1000 का। तो आप देखिए कितना फर्क पड़ता है, 500 रुपए एक मजदूर की दिहाड़ी होती है। तो हमने सोचा कि इतने पैसे यहाँ खर्च करने हैं, क्योंकि सिर्फ एक चीज तो लानी नहीं होती, और जब भी लानी है तो कोई 10-12 चीजें लानी है, वहां से सब्जियां भी लानी होती है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल मुझे बहुत पसंद है। तो वहां से सब्जियां वगैरह लानी है, और भी फ्रूट लाना है, जैसे कि पपीता हो गया, अंगूर हो गया, चीकू हो गया, और ये सारी चीजें लानी है। तो सोचा कि यहाँ से लेने की बजाय मैं डायरेक्ट मंडी में जाता हूँ, तो मंडी से लेके आता हूँ। तो चलिए आपको मैं आज दिखाता हूँ अपनी पठानकोट की मंडी। पठानकोट की मंडी जो है ना हमारे एरिया के ना सबसे बड़ी मंडी है, ये इवन अकेली पठानकोट की नहीं, आसपास के जितने भी एरिया ना, जैसे कि मुकेरिया हो गया, गुरदासपुर हो गया, वहां की ये सबसे बड़ी मंडी जो है ना हमारे यहाँ पे, दूर दूर से लोग, जैसे कि होशियारपुर से हो गया, और यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप लगाओ कि 150-200 किलोमीटर का एरिया जो है ना वो सारी की सारी सब्जी है ना बेचने हमारे एरिया में आते हैं। तो चलिए मैं आप सबको मिलता हूँ मंडी में, तो दिखाता हूँ आप सबको मंडी का क्या है नज़ारा। आज मंडे है, मंडे वहाँ पे भी जो है ना, मंडे को किसी भी मंडी में चले जाओ आप, तो आपको सब्जी क्या फ्रूट हर चीज कॉस्टली मिल देगी, लेकिन एज कम्पेयर टू लोकल एरिया जो है ना वहाँ पर थोड़ी बहुत हमको सस्ती मिलेगी, तो हम वहीं से लेंगे डायरेक्ट। और जो लोकल एरिया होता है ना, यहाँ के जो वेजिटेबल वाले हैं ना, वो क्या करते हैं वहाँ से लाते नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है मंडे को सब्जी जो है मंडी में महंगी होती है, तो वो वहाँ से लाते नहीं है, वो पहले ही लेके रखते हैं। तो वो दो तीन दिन की रखी हुई है या बासी हो चुकी है, तो हम वहाँ से लेते नहीं है, इसलिए मंडी में सब्जी ताजी आई होती है, हर चीज फ्रेश आई होती है, फ्रूट भी। तो सोचा कि डायरेक्ट वहीं से लेके आते हैं, साथ में हमारी थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी। चलिए सब्जी मंडी से सब्जी तो लानी है, उसके साथ ही एक बात और आपको मैं बता दूं कि जो ब्लॉकिंग ट्राईपॉड है ना छोटा, वो टूट चुका है, तो मैंने सोचा कि आज एक ट्राईपॉड भी लेते हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ वो भी वीडियो, अगर हो सका उन्होंने अलाउ किया तो आपके साथ शेयर करूंगा मैं वो वीडियो भी। तो एक ट्राईपॉड लेते हैं छोटा, आज मैंने सोचा मैं गुरिल्ला ट्राईपॉड लूं, क्योंकि वो कहीं पे भी ना सेट किया जा सकता, अड़ सकता कहीं पे भी, तो वीडियो जो है ना शॉर्ट अच्छा लिया जा सकता।
तो आज मैं वो एक ट्राइपॉड लेने जा रहा हूँ। और अगर वीडियो में कोई सजेशन हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, कमेंट किया करो और बता दिया करो कि ये वाला सजेशन है, इससे आपकी वीडियो क्वालिटी या कुछ भी इम्प्रूव हो सकता है, तो आप जरूर बताया करो। हम जो है ना आपका सजेशन जो है ना उसको जरूर फॉलो करेंगे। आज का जितना भी ब्लॉग है ना वो सारा मास्क पहनकर बनेगा, विदाउट मास्क नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि सब्जी मंडी में अलग अलग जो है ना जगह से लोग आए होते हैं, तो किसी को भी कुछ हो सकता है, किसी को कोविड, आज का स्पेशली ओमिक्रॉन जो है ना उसका बहुत बोलबाला चल रहा है, तो किसी को कुछ भी हो सकता है। तो हम अपनी थोड़ी एहतियात रखेंगे, बचाव रखेंगे ताकि सेफ रहें, क्योंकि शाम को जो है ना घर पे आना होता है, फैमिली जो है ना फर्स्ट होती है हर आदमी की, तो उसका सेहत का ख्याल रखना होता है, और ये किसी को क्या खुद का भी बचाव रखना पड़ता है। तो इसलिए आज का भी लोग जो है ना जितना भी है ना वो सारा मास्क पहन कर ही आएगा, तो थोड़ा इतना बर्दाश्त कीजिएगा। दोस्तों ट्राईपोर्ट तो मैंने 3-4 जगह से पता किया लेकिन मिला नहीं, और वहां मैं ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर सका। 3 दुकानों में गया, तीनों दुकानों में जो है ना एम्प्लॉयज तो वो गर्ल्स थी, तो ट्राईपोर्ट तो मिल रहे थे लेकिन जो मुझे चाहिए ना वो वाला नहीं मिल रहा था। तो गर्ल्स वहां पे होने की वजह से मैं वहां पे वीडियो नहीं बना सका, शूट नहीं कर सका, क्योंकि हर की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, क्योंकि वो लड़कियां जो है घर से काम करने के लिए आती हैं, अगर वीडियो चढ़ जाए नेट पे कुछ कोई गलत बोल दे, कई कुछ लोग होते हैं ना आप समझो मेरी बात को, कुछ लोग ना कंफर्टेबल नहीं होते इस चीज में, इसलिए मैंने वहां पर वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए सॉरी। चलिए पठानकोट का ये वाला इलाका ना जो है यहाँ पे काफी, अरे बाप रे, डोर ऊपर चाइनीज, रास्ते में जो चाइनीज डोर आती है ना इससे ना गला कटने का काफी डर रहता है, लेकिन यार इस चाइनीज डोर को ना ये बैन होना चाहिए इंडिया में। काफी लोग जो है ना ये चाइनीज डोर जो यूज करते हैं ना इससे काफी लोग जो है ना इंजर्ड हुए हैं, तो इस चाइनीज डोर को थोड़ा ना बैन करना चाहिए। बाइक पे ऊपर थोड़ा ना व्लॉगिंग करना जो ना कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं ट्राईपॉड जो है ना गुरिल्ला वाला ढूंढ रहा था ताकि मोबाइल को ना जो मैं मोबाइल होल्डर को ना मैं आगे अटका सकूं, तो लेकिन वो मिला नहीं मुझे। मैंने 3-4 जगह ट्राई किया, काफी ट्राईपॉड देखे, लेकिन मुझे जो गुरिल्ला वाला चाहिए था ना वो मुझे मिला नहीं, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा यार ऑनलाइन ट्राई करते हैं, ऑनलाइन जो है ना अमेजोन फ्लिपकार्ट ने ना काफी हद तक ना लाइफ जो है ना आसान कर दिया, तो अब हम ऑनलाइन ही मंगवाएंगे। चलो निकलते हैं यहाँ से अब, ये चलो अब थोड़ा रास्ता आगे साफ है, धीरे धीरे जाऊंगा, ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ूंगा, ये सुबह सुबह कन्ने छील रहा बंदा, ये देखिए ये लाइफ, ये बेचारे यहीं पे रात को सोते हैं। हम जो बहुत नखरे करते हैं ना अपने अच्छे अच्छे घरों में सो के, गर्म गर्म हीटर लगाते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं हमारी लाइफ सबसे टफ है, ये देख लो एक बार लाइफ कैसी है। जिंदगी में कभी भी है ना परेशान हो ना, एक बार अपने एक पायदान नीचे देख लेना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 2 पायदान ऊपर देखो और 1 पायदान नीचे देखना जब कभी परेशान हो, तो आपको अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। काफी लोग जो है ना उनसे पूछो जो कि झुग्गियों में सो रहे हैं, जिनके ऊपर सिर्फ छत नाम की एक तरपाल है, उस तरपाल में सोते हैं। हम लोग अच्छे घरों में सोते हैं बावजूद भी हम नखरे करते हैं, यार मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं कहता नीचे देखो, ऊपर भी देखो, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना आपको एक कदम आगे देखना पड़ता है। जिंदगी में जो ऊपर जाना ना, तो जो ऊपर का पायदान है उसको देखो, और अगर प्रॉब्लम नजर आए तो एक पायदान नीचे देखो। चलो ये नए मकान बन रहे हैं, सॉरी नई दुकानें बन रही हैं, ये देखिए ये मेरी फेवरेट गाड़ी है इसुजू, ये मेरे को पिकअप ट्रक की रही है ना, ये मुझे बड़े पसंद है, जब मेरे पास कभी पैसा आएगा तो ऐसे पिकअप ट्रक ही थी। तो टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बजे का, और लोग अपने कारोबारों में पहुंच चुके हैं और मुझे भी जाना, और ये हमारे शहर का सबसे सस्ता जूस, प्योर जूस, 15 रुपए जूस का गिलास है, सबसे सस्ता। यहाँ से लेना मुझे अब राइट टर्न, यहाँ से लेते हैं राइट टर्न और निकलते हैं सीधा मंडी में। अब मैं मंडी में पहुंचा, एक टाइम यहाँ पे होता है जब मैं यहाँ पे स्कूलिंग किया करता था ना शहीद मेजर दीपक स्कूल में, तो उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी शॉप नहीं हुआ करती थी, तकरीबन ये आज से 10 साल पहले की बात है, सब जो है ना एरिया खाली होता था। और यहाँ पर ना मुझे एक टाइम था, यहाँ पे हमको लोग बोलते थे कि यहाँ पे ना जो लैंड परचेज जो करनी है ना कर लो, सबसे सस्ता रेट था यहाँ पे। और आज की डेट में देखिए कैसे होटल बने हुए हैं, ये अब हम पहुंच चुके जी मेहर होटल से क्रॉस करते हुए, अब हम यहाँ से जाएंगे चाचा रसोई होटल को क्रॉस करते हुए, ये रही चाचा रसोई होटल। अब यहाँ से हमको लेना लेफ्ट टर्न, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके आ गई, ये आ गई हमारी सब्जी मंडी। सब्जी मंडी जो है ना यहीं से स्टार्ट हो जाती है,
ये सब्जी मंडी का स्टार्ट है दोस्तों। ये हमारी सब्जी मंडी का आप दृश्य देखिए, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है ये हमारा। मैंने आपको जैसे कि बताया था ना कि सब्जी मंडी जो है ना हमारी काफी बड़ी सब्जी मंडी है, ये वहां से सारी शुरू होती है। ये इतनी दूर से शुरू होके ना ये सारी सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी का जहां जहां तक नजर जाती है ना वहां वहां तक सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में जो आज का जो प्याज का रेट है ना वो 30 रुपए और आलू का रेट है जो वो 12 रुपए। चलिए हमको भी खरीदना, हम खरीदते हैं। दोस्तों ये लगे हुए हैं मटर और मटर मुझे मिले हैं 3500 रुपए किलो। और ये है अभी गोभी, ये भैया से हमने लिया सब्जी। दोस्तों यहाँ से हमने सब्जी ले लिया, गोभी ले लिया और गोभी के बाद ले लिया मटर और अब और सब्जियां लेनी है हमको। सब्जियां ले लिया, अब सब्जियां लेने के बाद क्या इनको करते हैं पेमेंट और फिर आगे और सब्जियां लेते हैं। दोस्तों सब्जियां लेकर मैं मंडी से आ चुका हूँ, लेकिन मंडी में मैंने ज्यादा ब्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि मंडी में मैं ब्लॉग ना जो ना कर नहीं पा रहा था। और साल का मैंने पूरा जहाज बनाया हुआ, अब मंडी से सब्जी लेकर मैं जा रहा हूँ घर पे। और ये आज हमारे यहाँ पे शायद मोदी जी आ रहे हैं, ये देखिए ये हमारे यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं आज। तो काफी भीड़ भड़का हुआ, बड़ी फोर्स लगी हुई है, ये देखिए गाड़ियां लगी हुई हैं। वेलकम टू मोदी जी पंजाब। मोदी जी ने पहले हमसे नाराज होकर गए हुए हैं पठानकोट से, और उन्होंने जाते जाते हमारे पंजाब के ऑफिसर को बोला, अपने चीफ मिनिस्टर को बोल देना कि मैं यहाँ जिंदा जा रहा हूँ। लेकिन मैं अपने मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, मोदी जी पंजाब सेफ है, आप आइए, और कोविड फ्री भी हो रहा है पंजाब, आप आइए, आपका वेलकम है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी को पंजाब में आने देते ना तो शायद वो हमको कुछ दे के जा रहे थे, शायद एम्स के प्रोजेक्ट दे के जा रहे थे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट दे के जा रहे थे, उनको आने देना चाहिए था। चलो सबकी अपनी अपनी थॉट है, मैं पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं जो मैं किसी को राय दूंगा। मुझे जाना सीधा घर पे जाकर मुझे अपनी शॉप भी खोलनी है। जो मैं मंडी से सारा का सारा सामान लेके आया हूँ वो घर पे रखता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ अपनी शॉप में चलता हूँ। ये देखिए पंजाब के जो रोड है ना ये मस्त है यार, क्या पंजाब में डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त हो रही है। कोई भी गवर्नमेंट इंडिया की है ना, क्योंकि मेरी कुछ वीडियो जो है ना वो पाकिस्तान के लोग भी देखते हैं और नेपाल के लोग भी देखते हैं, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि जो इंडिया ना, इंडिया की डेवलपमेंट जो है ना समझ लो कि रॉकेट की स्पीड से जा रही है। अब हम लोगों को जो है ना रोने की आदत जो बहुत है ना वो तो है ही, वो रहेगी। ये देखिए क्या मस्त रोड जा रहे हैं, ये है पंजाब की शान बलैरो गाड़ी। इस तरफ मेरा जिम है, इस कॉलोनी में मेरा जिम है, ये जो कॉलोनी है ना इसमें मेरा जिम भी है, वो अंदर यहाँ से दिखेगा नहीं लेकिन क्योंकि मैं हाईवे के ऊपर हूँ और मैं काफ़ी यहाँ से दूर से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए यहाँ से दिखेगा नहीं, लेकिन इसी कॉलोनी के अंदर मेरा जिम है जिसका नाम है क्रॉसफिट फिटनेस। जो ज्वाइन करता जाता हूँ वो करे ज्वाइन, खासकर करता हूँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का बिजनेस। और क्या ठंडी हवा चल रही है और मस्त रोड है यार, मस्त रोड है। चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपको अपने घर पे। दोस्तों मंडी से सारा का सारा सामान लेकर उसको मैं घर पे छोड़कर अब आ गया हूँ मैं अपनी दुकान में। दुकान में आकर यहाँ मैं साथ में लाया हूँ पपीता और अंगूर, ये मैं अभी दुकान में बैठ के खाऊंगा। अगर आप खाओगे तो आओ, मोस्ट वेलकम है, इकट्ठे बैठकर खाएंगे, मजा आएगा, गपशप लगेगी आप लोगों के साथ, नए दोस्त बनेंगे जो आएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आज तक की वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।